हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी नो मैट्स। आज हम आपको लेके चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में, जिसका नाम है कल्दान समुद्रा। हम आपको सारी फैसिलिटीज़, उनके रूम्स और सब कुछ बताएंगे, सो बने रहें हमारे साथ। इस बीच रिसॉर्ट पे मैंने आज तक का सबसे क्लीनेस्ट बीच देखा है, सबसे बड़ा लॉन देखा है, जिसको ये सुंदर बागा लॉन बुलाते हैं। और ऑफ कोर्स इनकी स्पेशलिटी है चेन्नई ECR पे लॉन्गेस्ट पूल, जो हम आपको आगे फिर से दिखाएंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं। मैं यहाँ से कई बार निकला हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि अंदर इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, तो आइए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आपका पहले सबसे पहले ट्रेडिशनल वेलकम होता है। यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा और पोलाइट है, ये आपको अलग से ले जाते हैं और बिठाते हैं। यू डोंट हैव टू स्टैंड ऑन रिसेप्शन, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस देते हैं जहाँ पर आराम से चेक इन करते हैं, आपको वेलकम ड्रिंक मिलता है। ये होटल या पैलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, डेकर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, यू कैन सी द शैंडेलियर्स एंड द लाइटिंग व्हाट दे हैव यूज्ड, बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम देता है, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है, काफ़ी एडिक्वेट है। द यूज़ ऑफ लाइट्स, शैंडेलियर्स अमेजिंग है। ये इनका दूसरी तरफ का सिटिंग एरिया है, जहाँ पर इन्होंने एक झूला रखा हुआ है, एंड यू कैन रियली रियली एंजॉय सिटिंग हियर। रिसेप्शन एरिया से ही आप अगेन यू कैन सी अ शैंडेलियर, इतना लंबा शैंडेलियर और इतना खूबसूरत मैंने पहले नहीं देखा है। अब मैं आपको नीचे का एरिया बाद आगे चल के दिखाऊंगा वीडियो में। आइए रूम की तरफ चलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं जो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। अगेन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पर्सनल टच है, आपको एक स्टाफ आपके रूम तक लेके जाता है, पूरा आपको प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हैं इनसाइड। इस होटल में 104 रूम हैं, 7 कैटेगरीज़ हैं। हम आपको दो तरह की कैटेगरी दिखाएंगे और एक बाहर से दिखाएंगे। आइए पहले अपना रूम देख लेते हैं। रूम के अंदर एंटर करते ही आपको बहुत ही लग्जूरियस और वार्म वेलकम फील होता है। यू कैन मेक आउट कि हाँ, आपने यहाँ पे पैसे पे किए हैं किसी लग्जरी के लिए। एंड लाइटिंग का और शैंडलियर्स का अगेन बहुत अच्छा यूज़ किया है, डेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वाओ। रूम काफ़ी क्लीन है, न्यू प्रॉपर्टी है, यू कैन मेक आउट हर चीज़ साफ़ सुथरी है। यहाँ पे अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री वाटर है, जितना मर्जी पीजिए। देन अगेन हम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में थे, थर्ड बेड ये आपकी रिक्वेस्ट पे लगाते हैं, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मूव अराउंड। वेलकम फ्रूट प्लेटर है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है। बाकी बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। दिस इज स्मॉल डेस्क, मोर वाटर। बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पे, इनका मिनी बार इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि आपका मिनी बार इंक्लूडेड है। आइए देखते हैं क्या है, खाली है। ओके, सम कोक एंड जूसेस एंड अगेन सम मोर वाटर, टी, कॉफ़ी। ये साथ में एक वेलकम लेटर देते हैं, जिसमें QR कोड है फॉर इन रूम डाइनिंग, स्पेशल डाइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। दैट्स द कबर्ड, लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ देयर इन द कबर्ड्स। ओके, स्टैंडर्ड, वी हैव आयरन बोर्ड, सेफ, टू पेयर ऑफ स्लीपर, पॉलिश। It's got bags for laundry, few hangers. आइए अब किसी भी रूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि उसका टॉयलेट या बाथरूम चेक कर लेते हैं।
और ये हमारी मॉडल पहले से यहाँ बैठी हैं। इट्स क्वाइट नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। अगेन रॉयल फील है, रेन शावर है, इनकी अपनी टॉयलेट्रीज हैं, कालदान, अगेन टू वॉश बेसिन्स हैं, गिव्स अ वेरी लग्जूरियस फील। सेम इनका अपना पर्सनल कालदान, टॉयलेट्री। So how's the bed? Very comfortable. Okay, let's check out the balcony. Very Yeah, let's go. Okay, here if you open the door, the air conditioning will stop at the hotel, so you have to be careful. And that's the view. आइए अब इनका दूसरा कैटेगरी ऑफ रूम देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पैलेस स्वीट। ये इनका आउटसाइड बाथरूम है इफ़ यू हैव अ गेस्ट, लिविंग एरिया। और ये इनका मास्टर बेडरूम, मुझे ऐसा लगा कि ये सेम साइज़ है। इनका व्यू वाज एब्सोल्युटली सेम एज आर रूम, पूल फेसिंग। वॉक इन कबर्ड टाइप्स। हाँ, इनका बाथरूम वाज बेटर देन आर रूम, इस क्योंकि इसके अंदर एक टब भी है, अदरवाइज मोर लेस सेम, कुछ खास एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट द व्यू, एज आई सेड बिल्कुल सेम। और ये है इनके पैलेस विलास, आई होप मैं आपको अंदर से दिखा सकता, बट दे वर अंडर रिनोवेशन सो दे रिफ्यूज टू शो इट टू अस। आउट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इनका ब्यूटीफुल लॉन, सुंदर बाग लॉन चेकआउट करते हैं, जहाँ पे इन्होंने शूटिंग रेंज भी बनाई हुई है छोटी सी। आई हैव नो आइडिया कि क्या चार्ज करते हैं। आपको होटल या आपके रूम से बीच तक ले जाने के लिए इन्होंने गोल्फ कार्ट्स रखी हुई हैं, विच इज़ अगेन फ्री ऑफ चार्ज, आपसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। लॉन में इन्होंने बहुत सारे गजीबो बना रखे हैं, जहाँ पे इनका यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में, सो बने रहें। टाइम टू चेकआउट देयर हाई टी, ये 5 से 6 बजे शाम को होती है, पैकेज में इंक्लूडेड थी। ये इनका धानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये इकलौता रेस्टोरेंट है। काफ़ी एडिक्वेट सिटिंग एरिया है 100 रूम्स के लिए। क्या हो रहा है? इनका हाई टी का स्प्रेड काफ़ी अच्छा था। अगर आप लाइट ईटर हैं तो हाई टी के बाद आई डोंट थिंक आप डिनर करेंगे, यू कैन सी। आफ्टर हाई टी और ड्यूरिंग हाई टी यहाँ पे एक राजस्थानी फोक डांस परफॉर्मेंस भी होता है, बहुत अच्छा है, डोंट मिस इट। Thank you.
आइए अब हाइटी के बाद बाकी प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। तो ये इनका प्यारा सा एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पे भी, काफ़ी भीड़ थी, डोंट मिस दिस। चश्मा लगा के कौन बिजनेस सेंटर में बैठता है। आइए सबसे पहले स्पा देख लेते हैं। इसके रेट्स इतने ज़्यादा फैंटेस्टिक थे कि हमने यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, एंड दे सेड कि अंदर हमें नहीं देखने देंगे, तो वी कांट शो यू एनी मोर। ये इनका सलून है, ये हमने अंदर से चेकआउट नहीं किया। का किड्स क्लब सरप्राइजिंगली काफ़ी बिजी था। मैं हमेशा से सोचता हूँ जो रिसॉर्ट में आते हैं इंजॉय करने के लिए वो किड्स क्लब क्यों जाएंगे, बट देन पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। ये इनका फिटनेस सेंटर। किसी भी गलतफहमी में मत रहिए, ये पहली बार मैं चला गया था, 50 शॉट लेने पड़े थे। ये इनका एडल्ट रिक्रिएशन सेंटर है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, कुछ फ्री हैं और कुछ पेबल हैं, जैसे पूल टेबल, स्पीड हॉकी वॉज पेबल। आउटडोर एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग में बहुत मज़ा आता है, फ्री है, देयर इज़ नो चार्ज फॉर इट। और अब यहाँ का मेजर हाईलाइट सागर पूल। ये पूल इतना ज़्यादा इनवाइटिंग है कि ना चाहते हुए भी आप इसके अंदर 100% जाएंगे ही जाएंगे। और अब बारी है बताने की यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो गज़ीबो में होती है। ये 20,000 प्लस टैक्सेस या 30,000 प्लस टैक्सेस है, डिपेंडिंग कि आप गेस्ट हैं होटल में या बाहर से आके करते हैं। इफ़ यू हैव द मनी व्हाई नॉट। टाइम टू चेक आउट द बीच, जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन है क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ उस बीच को साफ़ करते हैं होटल के सामने वाली, एंड इवनिंग में ऐसे आपको आफ्टर द लाइट्स आर ऑन ऐसे व्यूज़ दिखते हैं। होटल की लाउंज चेयर्स बिछी होती हैं बीच पे, इस पर ज़रूर इन्जॉय करें। रात को बहुत ही लाइट्स ऑन होने के बाद ये होटल और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। डिनर टाइम। सो अगेन, धानी इज़ द ओनली रेस्टोरेंट, यहाँ पे डिनर होता है, बुफे है। 3,000 प्लस टैक्सेस के लिए ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। हमने नहीं ट्राई किया बुफे, आप देख सकते हैं, स्प्रेड वॉज ओके। हमने अलाकाउट ऑर्डर किया जी और स्वीटी ने, मैंने इन रूम में ऑर्डर किया था। मैं आपके लिए QR कोड छोड़ दूंगा आगे वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या इन रूम में अवेलेबल है। Thank you.
QR code for the in-room dining. It's my birthday. They gave us a cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bless you, dear. May God bless you. गुड मॉर्निंग. सो हमें बीच इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि नेक्स्ट डे हम सुबह 5 बजे उठ के बीच पे निकल पड़े सो दैट वी डोंट मिस द सनराइज एंड ऐसे खूबसूरत नज़ारे. फिर से आपको रीएम्फसाइज करना चाहूँगा, बीच इतनी ज़्यादा क्लीन है. मैंने खुद यहाँ के एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली होटल के सामने बीच क्लीन करते हुए देखा था. बीच से सीधा थाने की तरफ और ऑन द वे सागर पूल वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी सुबह सुबह. ब्रेकफास्ट थाने में था विच वॉज इंक्लूडेड इन द पैकेज, कॉम्प्लीमेंट्री था और स्प्रेड और क्वालिटी ऑफ द फूड वॉज सो गुड कि हमें इसके बारे में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है. हालांकि डिनर और हाई टी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. अगेन, अगर आप धानी का डेकर मिस आउट कर गए थे तो एक बार फिर से देख लीजिए. हाउस ऑफ ब्रेकफास्ट होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपको इस खूबसूरत शानदार रिसॉर्ट की कुछ ड्रोन शॉट्स के साथ या वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ. टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय.